मैं प्रिया आपके साथ। एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को पार्टी के दो नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया। शरद ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि शरद के भतीजे अजीत पवार इस फैसले से खुश नहीं दिखे। मुंबई में आयोजित एनसीपी के 25वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम से वो बिना किसी से बात किए निकल गए। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला पहले से ही लिया गया था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं राज्य स्तर का नेता हूं, जबकि सुप्रिया नेशनल लीडर है। नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए अजीत ने कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मैं इस बात से नाखुश हूँ। पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, ये गलत है। जब शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था तो हमने एक कमेटी बनाई थी, उस समय दो फैसले लिए जाने थे, शरद पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए अनुरोध करना और दूसरा सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना। कमेटी के बाकी सदस्यों ने शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान करना होता है, इसलिए मैंने भी इस्तीफे के मुद्दे पर फोकस किया। अजीत का कहना है कि वो मुख्य रूप से राज्य की राजनीति में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता और राज्य स्तर पर पार्टी का नेता हूँ। मेरे हित राज्य स्तर पर है और सुप्रिया नेशनल लीडर है। अजीत ने 1991 में राष्ट्रीय राजनीति से अपने इस्तीफे का जिक्र किया। अजीत पवार ने बताया कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कम रुचि के कारण उन्होंने स्टेट में रहना ही सही समझा था। शनिवार को कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान करते हुए शरद ने साफ कह दिया था कि अजीत के पास पहले से कई जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। शरद ने कहा, देश में स्थिति ऐसी है कि सभी राज्यों की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति को देना गलत होगा। देश भर में पार्टी के मामलों को देखने के लिए पर्याप्त हाथ होने चाहिए। ऐसे में दो कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। एनसीपी में